दोस्तों ये दूसरा डंपर उतर रहा है अभी गोबर का। दोस्तों यहाँ पे कंपोस्ट खाद है सब बहुत चुकी जलेबी गोबर हम जंगल से लेके जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। दोस्तों आज सुबह के 7 बज रहे हैं। दोस्तों अभी मैं और अनिल भाई खेतों में गोबर फेंकने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ आज महिलाओं की टीम भी है। दोस्तों यहाँ से दादा की दुकान से बोरियाँ अभी ले ली मैंने, 10 बोरी, और इसमें हम गोबर भरेंगे सरकारी गल्ले से, गल्ले की दुकान से। दोस्तों अभी हैं हम डोने खाल में और मेरे पीछे से हमारी टीम है हिमराट समूह की टीम, और यहाँ से हम गोबर लेके जा रहे हैं। जहाँ पे हम गोबर फेंकने वाले हैं वो रोड हैट के खेत हैं हमारे, और यहाँ से हम गोबर लेके जाएंगे। जंगल का गोबर है ये, हमेशा मिसयूज जाता है ये गोबर। दोस्तों यहाँ पे कंपोस्ट खाद है बिल्कुल बारीक, जिसका कभी भी उपयोग नहीं होता है, और जिनके ये छप्पर हैं उनसे मैंने ये गोबर खरीदा है। इस तरह से हम बिल्चे से और तब कट्टे भर रहे हैं। यहाँ पे एक पिकअप भर रहे हैं हम गोबर से, और देखते हैं कि आज हम कितने पिकअप गोबर ले जा पाएंगे। अभी तक इतना गोबर हम पिकअप में ला चुके हैं। दोस्तों एक पिकअप हमने फुल भर दिया है गोबर का, ये प्योर वर्मी कंपोस्ट खाद है, और इसको हम अपने खेतों में लेके जा रहे हैं, क्योंकि खेत टाइम ना यार, जिन खेतों में आज हम गोबर डालेंगे वो खेत रोड की साइड वाले हैं, और ये जंगल का गोबर है वैसे ही वेस्ट जाता है। ये जब भैंसे चौमास में आती हैं चरने के लिए बुजुर्गों में, चलते हैं पिकअप की छत में मैं और अनिल भाई। दोस्तों ये गोबर हम जंगल से लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे बरसात के दिनों में भैंसे आती है चलने के लिए, और यहाँ का गोबर हमेशा ही सुअर भालू सब बता देते हैं, और बरसात के दिनों में ये गोबर ऐसे ही पानी में बैग वेस्ट हो जाता है, तो इसका गोबर का सदुपयोग हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद है। पहुँच चुके हैं हम, यहाँ है नीचे खेत, और उन खेतों के लिए जहाँ जड़ी बूटी की खेती हमने कर रखी है। दोस्तों एक पिकअप को खाली करके आ गए हैं, जिसमें कि 60 बोरियां कंपोस्ट खाद लेकर के गए हम इन बोरियों में, जिसमें ये कंट्रोल की बोरियां हैं, और 40 किलो के लगभग गेहूँ आते हैं, तो इनसे हमने 60 बोरियां पिकअप में डाली। दोस्तों अब टी ब्रेक चल रहा है दिन का, अभी दिन के 1:30 बज रहे हैं, अब थोड़ा सा रोटी पानी खा लेंगे क्योंकि सुबह 8 बजे से काम पे लगे हुए हैं। ये हैं संतोष भाई हमारे साथ पायलट है, जिनकी गाड़ी है पिकअप, और इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको बुकिंग के लिए कहीं भी चाहिए होगी, और उनके पास 2 मैक्स भी हैं और पिकअप भी है। यहाँ पे सब अभी लंच कर रहे हैं छप्पर के अंदर, ये डांडा खरक है, कुछ भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, और रोटियां भी खाएंगे, एनर्जी वाले बिस्कुट है पाले वाले जी।
पहाड़ है गोबर के। दोस्तों ये दूसरा डंपर उतर रहा है अभी गोबर का। फर्स्ट डंपर हम ला चुके हैं और ये दूसरा डंपर उतरेगा गोबर का, वर्मी कंपोस्ट सब बच चुके। जलेबी थोड़ा थक गए होंगे वो सभी जलेबी का लुप्त ले रहे हैं। सबके लिए जलेबी खाने के लिए यहाँ पे ला रखी है। कन होना जलेबी ठीक है। अच्छा थैंक यू दोस्तों। दो पिकअप हम गोबर ले जा चुके हैं यहाँ से, कंपोस्ट खाद, और ये तीसरा पिकअप है जिसको अब हम इस समय लेके जाएंगे। अभी शाम के 3 बज रहे हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और देखते हैं कब तक हम इस पिकअप को भर पाते हैं। लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। टीम भी अब घर के लिए रवाना हो रही है। ए बच्चों ढंग से बैठा हो। दोस्तों तीसरा पिकअप भी हमने भर दिया है और अब छुट्टी का समय हो गया है। दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमने भी इसी पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।